हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है और इस वीडियो में जो है हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड, इस बार हमने खरीदा है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 Lite। तो हमने पुरानी वीडियो में जो है सैमसंग गैलेक्सी टैब A का रिव्यू किया था। ये इसका हल्का और बजट फ्रेंडली टैबलेट्स है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 11,000 रुपए के आसपास खरीदा है और प्राइस जो है साइट्स और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसमें जो है 3 GB रैम है और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर आपको एक टैबलेट्स मिलेगा, ट्रैवल अडेप्टर मिलेगा, एक इंजेक्शन पिन मिलेगी, एक यूजर मैनुअल मिलेगा और एक डेटा केबल मिलेगा। कंपनी ने जो इसका प्राइस जो है 14,500 रुपए के आसपास रखा है, पर ये आपको सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट या आप चाहो तो अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं 12,000 रुपए के आसपास। तो आप ये देखें, हम गूगल से दिखा रहे हैं, तो ये आप कई वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो चलिए, आपका टाइम जल्दी ख़राब ना करते हुए हम इसकी जल्द से जल्द सील काट देते हैं। और ये हमारा सैमसंग का तीसरा टैबलेट्स है और हमने इस बार एक बजट फ्रेंडली थोड़ा सस्ता टैब्स खरीदा है। जो पुराने वाला टैब्स था वो मुझे 18,000 रुपए के आसपास पड़ा था। इसकी सील हमने खोल दी है और सबसे ऊपर जो है हमारा ये टैब्स है। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। ये हमारा जो है 15 वाट का फास्ट चार्जिंग चार्जर है, आप कह सकते हैं। तो ये हमारे टैब्स को जो है बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, क्योंकि इसमें जो बैटरी है वो 5100 mAh की बैटरी है। तो इस चार्जर की मदद से जो है हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। और इसके साथ जो है सी टाइप की डाटा केबल है। अगर हम दूसरे वाला खोलकर देखें तो ये इसके यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड। तो इसको चलाने से पहले आप ज़रूर इसको चेक कर लें, पढ़ लें कि भैया इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपने सेटअप करना है। तो ये चीज़ें आपको हमारी वीडियो के जरिए भी पता चल जाएगी। और ये वारंटी कार्ड है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी आपकी वारंटी सेव रहेगी, तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ जो है आपकी एक पिन मिली है। तो इस पिन से जो है आप इस टैब में जो है मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। क्योंकि हमने जो ये टैब लिया है इसमें कोई सिम नहीं डलेगी, तो इसमें आप 1 TB तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ॉन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। तो चलिए, अब जो है हम फाइनली अपने टैब को खोलकर देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक प्रकार का ये पैकिंग आता है, तो आप इसको एज ए कैरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसी कैरिंग बैग में रख भी सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सैमसंग ब्रांड का टैब A7 Lite। तो ये जो है मुझे सिर्फ 11,000 रुपए के आसपास पड़ा था। आपको जो है ये 2 कलर में मिल जाएगा, 2 वेरिएंट में मिल जाएगा, 32 और 64 GB। इसमें भी आपको 2 वेरिएंट और मिल जाएंगे कि आपको सिम वाला यानी कि वोल्ट टाइप चाहिए या बिना सिम वाला। तो जो मेरे पास मॉडल है वो 32 GB वाला है, बिना सिम के है, यानी कि सिर्फ वाईफाई है और ये ग्रे कलर में है। तो आप इसके पीछे देख सकते हैं मेड इन इंडिया फॉर सैमसंग और ये इसके सीरियल नंबर है। पीछे जो है आपका 8 MP कैमरा है बिना किसी फ्लैश के। और इसका कैमरे की जो क्वालिटी है, चाहे जो भी टैप हो, ठीक ठाक होती है। फ्रंट में भी जो है 2 MP कैमरा दिया गया है, तो इससे आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। जैसे स्काइप है, गूगल ड्यू है, तो उसमें आप वीडियो कॉलिंग या आप जूम ऐप के द्वारा मीटिंग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बजट टैबलेट्स है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। जैसे 10वीं तक के बच्चे हैं, अगर उनको आप सस्ता बजट फ्रेंडली टैब्स देना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। इसका जो डिस्प्ले है वो 8.7 इंच है, फुल HD नहीं है, HD से थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं। इसके डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो है 1340x1800 pixel रेजोल्यूशन। और इसमें जो है एक अच्छी बात जो है, इसके आप बेजल देखोगे बहुत ही कम है। जो स्क्रीन का जो साइज है वो मोर देन 81%, आप ये देखिए, बिल्कुल भी वजन नहीं है।
यानी कि इसका मतलब जो है, जो आपका ये टैप है, एक तो कॉम्पैक्ट इन साइज है, लाइट इन वेट है, आप इसको बड़ी आसानी से सिंगल हैंड से भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो बैक कवर है वो पूरी तरह से मेटालिक है और बहुत ही प्रीमियम लुक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सस्ता टैप है। तो लुक वाइज जो है, मुझे सैमसंग के जितने भी टैप्स हैं वो बहुत पसंद आते हैं। अगर हम इसके कनेक्टिविटी पॉइंट की बात करें, अगर आप देखोगे तो सेंटर में आपका ये सी पोर्ट है फॉर द फास्ट चार्जिंग डाटा ट्रांसफर, ये इसकी माइक्रोफोन पिन है। राइट साइड जो है ये आपके ये स्टीरियो स्पीकर हैं, तो इसके नीचे भी है, अगर आप टॉप में देखोगे तो ऊपर भी आपके ये स्पीकर दिए गए हैं। लेफ्ट साइड जो है आपका 3.5 ऑडियो जैक है। राइट साइड आप देखोगे तो ऊपर पावर बटन है, इसके नीचे जो है ये वॉल्यूम रोकर है, इसे आप वॉल्यूम बढ़ा या घटा सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और नीचे फिर एक और माइक है। लेफ्ट कॉर्नर में जो है ये आपकी ट्रे है, तो आप इसमें 1 TB तक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। टॉप में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीकर बार ही मिलेंगे। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ और फिर जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टैप चलने में कैसा है, कैसी इसकी कैमरा क्वालिटी है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो हमारा टैप जो है स्टार्ट हो गया है, तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी लैंग्वेज सेट करनी है, तो हम इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम ही सेट कर देते हैं। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो ये सारे टर्म्स और कंडीशन है, तो ये ऑल ऑफ कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पे टच कर दीजिए। तो इसके बाद जो है ये पूछ रहा भैया आपका कौन सा राउटर है, वाईफाई नेटवर्क है, तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ। और अब जो है ये पूछ रहा कि आप चाहो तो अपने पुराने टैप्स या फोन से जो है डेटा या कंटेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं डू नॉट कॉपी पे टच कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब जो है ये डेट और टाइम को सेट करने को कह रहा है, तो ये देखिए ब्रिटिश समर टाइम है, तो मैं इंडियन टाइम सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपना टैप को फर्स्ट टाइम सेट कर सकते हैं। कोलकाता 5:30 यानी कि 5:30 का टाइम है, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। डेट और टाइम भी मुझे नया लेटेस्ट सेट करना है। जो है अपने हिसाब से करंट टाइम और डेट सेट कर दी है, तो जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ये नेक्स्ट पे टच करना है। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये गूगल सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है, तो आप चाहो जिसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अभी हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। फाइनली जो है ये एक पैटर्न आ गया है जिससे आप अपने टैप को जो है सेव कर सकते हैं। इस टैप में जो है आप फेस के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हैं या पैटर्न, पिन या पासवर्ड, तो मैं अभी स्किप कर देता हूं। तो एक ऐप इसने रिकमेंड करी है सैमसंग स्टोर की तरफ से, स्मार्ट ट्यूटर, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूं। अब जो है ये मुझे कह रहा है कि भी आप सैमसंग का कोई अकाउंट बनाइए, तो मैं इसको अभी स्किप कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हमारा टैब जो है सेटअप हो गया है, तो जस्ट फिनिश को टच करना है। फ्रेंड्स, ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 फर्स्ट टाइम बूटअप हो गया है। तो चलिए इसको चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो एक बजट टैब्स है, तो इससे आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें, जस्ट ठीक ठाक प्रोग्रामिंग, वीडियो देखना यूट्यूब पर या वीडियो कॉलिंग करना, तो हल्की फुल्की गेम ही चलेगी। हैवी गेम जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो जैसी हैवी एप्स होती हैं खासतौर पर वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो वो भी शायद इसमें सही ढंग से ना चले। चलिए अब जो है हम टैप की और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, टैप में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। कई लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि भैया इसके कलर डल्स हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, तो कलर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो 11,000 में आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बढ़िया टैप मिल रहा है। अगर इसमें प्री लोडेड ऐप्स की बात करें, तो इसमें आपको नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और इवन यूट्यूब म्यूजिक भी मिल रहा है। मैंने देखा कि सैमसंग के जितने भी टैप्स हैं उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स मिलेंगे। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करें, तो फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना है, अबाउट टैबलेट में टच करके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को टच करना है। तो आप ये देख सकते हैं एंड्रॉयड का 11 वर्जन यूज किया गया है। तो मुझे इसी प्राइस में जो है लेनोवो या दूसरे MI ब्रांड के भी टैब्स मिल रहे थे, पर उनमें एंड्रॉयड का जो वर्जन था वो
काफी पुराना था। तो ये देखिए 11 टाइप है। अब जो है मैं आपको इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने अपनी ही वीडियो हम चला रहे हैं, तो इससे आपको इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो ये देखिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। फ्रैक्चर होगा आपका और 1/4 जो है आपका सीमेंट होगा। तो ये देखिए इतना हमने एक प्रेशर ले रखा है और यहाँ पर जो है ये सीमेंट डाल। अब जो है हम इसको मिक्स करें प्रॉपरली। तो ये अभी मसाला बनाना सिखा रहे हैं आपको, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ गमले बने हुए हैं, तो पहले हमने इस सांचे में डालेंगे, ढांचा तैयार करेंगे, फिर उसमें अगले दिन में जो है उसको निकाल कर पानी डालकर उसको सुखाएंगे। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स ये हमारा अब मसाला ये मिक्स कर रहे हैं। तो प्रॉपरली हम मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो जैसे गड्ढा होता है उल्टा चांद कह सकते हैं तार टाइप, वैसा हम इसको बनाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं मिस्त्री जैसे मसाला तैयार करते हैं वही तरीका है। तो ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बना रहे हैं मसाला, बट आपको छोटे फ्रेंड्स मुझे तो इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी। इसका जो टच है वो मुझे थोड़ा सा कई बार लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी इसकी थोड़ी सी स्लो है। प्राइस वाइज देखोगे तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि 11,000 या 12,000 में आपको इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें नहीं मिल सकती थी। तो अगर मैं टच की बात करूं, जैसे प्रोसेसिंग है हल्की सी स्लो है, इसमें आप बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हाई लोड के काम आप इसमें नहीं कर सकते। जैसे कई चीज़ों में मुझे फील हो रहा है कि जो टच है हल्का सा स्लो है, बाकी कोई मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। इसका जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा सा चीप है, पर प्राइस जो है जैसे 11,000-12,000 में आपको इससे बेहतर टैप नहीं मिलेगा। चलिए अब जो है हम चेक करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो इसमें जो है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, फ्रंट में जो है 2 मेगापिक्सल कैमरा है। तो कैमरा इसमें टैप के हिसाब से ठीक ठाक दिया गया है, और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि टैप में इतने बढ़िया कैमरे नहीं होते। जैसे मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें एक प्रकार का नॉर्मल कैमरा ऐप है, तो जैसे आप नॉर्मल स्मार्टफोन में सेटिंग करते हो वही सेटिंग है। बाकी देखना पड़ेगा कि इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी है, और इस वक्त मैं रात में है तो शायद इतनी क्लियरिटी इसमें शायद ना आए। तो चलिए मैं इसको रोक देता हूँ। तो चलिए मैं कुछ फोटो लेकर आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो डे टाइम नहीं है, रात के अंधेरे में शायद इतनी अच्छी फोटो ना आए, तो थोड़ा सा जूम बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। तो इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन भी शायद नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारी वीडियो कैसी रिकॉर्ड हुई है। तो ये हम ओरिजिनल एलसीडी वाइड है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें एक प्रकार का नॉर्मल कैमरा ऐप है, तो जैसे आप नॉर्मल स्मार्टफोन में सेटिंग करते हो वही सेटिंग है। तो बाकी देखना पड़ेगा कि इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी है, और इस वक्त मैं रात में है तो शायद इतनी क्लियरिटी इसमें शायद ना आए। तो चलिए मैं इसको रोक देता हूँ। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं जो मैंने इस टैब से खरीदी है, तो फोटो में मुझे ज्यादा कोई कमी दिख नहीं रही है। बाकी आप चेक करोगे तो शायद आप जो है देखना पड़ेगा कि आपको इसकी फोटो क्वालिटी अच्छी लगती है कि नहीं, पर फोटो या वीडियो क्वालिटी में मुझे कोई ज्यादा कमी दिखी नहीं। तो चलिए अब जो है मैं आपको इसका टच और इसमें कैसे आप सिंपल गेम खेल सकते हैं तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो मैंने ये फ्रूट निंजा डाउनलोड की है, तो उस प्ले पे टच करता हूँ, तो दोबारा से रिस्टार्ट करनी पड़ेगी गेम को मुझे। तो आप ये देख सकते हैं इसका कैसे आप सिंपल गेम्स इसमें खेल सकते हैं। तो मेरा शायद मिस हो रहा है, गेम ओवर हो गया, शायद बम को फोड़ना नहीं था। तो टच ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है, तो आप निराश नहीं होगे। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हैवी गेम जो है इसमें चल नहीं पाएंगी, तो थोड़ा सा हैंग होता है अगर ज़्यादा हैवी गेम हो।
तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका टच कैसे चलता है। तो ये था फ्रूट निंजा गेम का डेमो। फ्रेंड्स, इसके साथ जो है मैंने सैमसंग का A7 टैब रख दिया है। इसका डिस्प्ले साइज जो है 10.4 इंच है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट का जो डिस्प्ले साइज है 8.4 इंच है। तो प्राइस में जो है ज्यादा अंतर नहीं है, 5000 से लेकर 6000 ही है, पर सैमसंग गैलेक्सी A7 टैब जो है काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू द सैमसंग गैलेक्सी A7 लाइट। पर ये टैबलेट जो है बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और आजकल जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का टाइम है, तो बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, तो उस हिसाब से ये टैब जो है काफ़ी सस्ता भी है, और इसमें किसी प्रकार की कोई खास कमी नहीं है। बस दिक्कत मुझे एक ही लग रही है कि इसमें आप हार्ड प्रोजेक्ट होते हैं, हार्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। बस यही एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, 11000 या 12000 की प्राइस रेंज में जो है सैमसंग का जो ये टैप है, ये सबसे मुझे बेस्ट लगा। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, और फ्रेंड मैं वीडियो के नीचे सभी प्रकार के सैमसंग के हो या मोटरोला के हो, सभी के टैप का लिंक्स डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टैप के साथ जो है कवर भी खरीद सकते हैं, तो मुझे ये 1250 रुपए के आसपास पड़ा है। तो चलिए मैं आपको ये पहनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसी कवर में जो है आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक प्रकार का टैबलेट स्टैंड भी बना सकते हैं, और बहुत ही मजबूत भी है। तो इस कवर का जो नाम है वो आप ये देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल नाम है, स्पिंगन है नाम कह सकते हैं, स्मार्ट कोड आप कह सकते हैं। तो इसका जो प्राइस जो है 1250 रुपए के आसपास है। तो मैं वीडियो के नीचे जो है इसी टाइप के जितने भी कवर हैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। आप ये देखिए, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो सारे प्रकार के इसमें कट्स दिए गए हैं, तो एक एक चीज़ जो है इसमें प्रॉपर आ रही है, और ये आपके टैब को बचाएगा। आपने देखा कि मेरा टैब गिर गया था, तो शायद मुझे इसमें थोड़ा सा एक डिस्प्ले प्रोटेक्टर भी लगवाना पड़ेगा, और जैसे आप इसको ऑफ करोगे तो ये शायद टैब बंद हो जाना चाहिए। देखता हूँ बंद हुआ कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था। तो इस कवर को भी आप हमारे दिवलिंग से खरीद सकते हैं, धन्यवाद। और इस टैब में जो है फ्रेंड्स, आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलेगी, नहीं तो जैसे ही मेरे हाथ से स्लिप हो गया था तो इसके डिस्प्ले में किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं आया, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टैबलेट पे आएंगे।